गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीप्ति आज आपके सामने एसीसी की तरफ से वीडियो क्लास जो देने जा रही हूँ वो है फ्रैक्शन का पार्ट थर्ड। हमने लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स को आपस में चेंज कैसे करें एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि फ्रैक्शन का जो है वो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन ये होता कैसे है, इसे हम एक एग्जांपल के रूप में लेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2/3 × 4/3। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर होगा, मतलब अंश को अंश से और हर को हर से इंटू करना है। तो हमारे पास ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसे 2 × 4/3 × 3, मतलब ये हो गया 2 × 4/8 और 3 × 3 = 9। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग है वो देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2/3 / 1/5। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये डिवाइड का साइन है इसे हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कहते हैं उतार दिया हमने होल नंबर था, और इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया। जब ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसमें क्या चेंजेज आते हैं, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब अंश जो है वो हर हो गया और हर जो है वो अंश हो गया। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 5/3 × 1, मतलब 2 × 5 = 10, 3 × 1 = 3। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन भी होगा और डिविजन भी होगा। ये एग्जाम्पल हम मिक्स फ्रैक्शन के साथ लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आए। 2 × 3/5 × 1/6 / 12/15। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक होल नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है और उसके बाद डिवीजन है। बट ये जो है, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसे होल नंबर में कन्वर्ट मारते हैं, दैट मीन्स ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में बदलते हैं, 5 × 2 = 10 + 3, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ था। तो ये हमारा हो गया 13/5 × जो कहते हो इसे उतार देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब इस स्टेप में हम लोग चेंजिंग करते हैं 13 × 13/5 × 1/6, यहाँ पे डिवाइड का साइन है सॉरी, ये डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन में बदलते हैं, जैसा कि पहले हमने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, यहाँ हो गया 15/12। अब हम लोग ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो है हमारा लॉवेस्ट टर्म नहीं है, इसे हम लोग लॉवेस्ट फॉर्म में लाते हैं। 15/12 में क्या है, 3 हमारा कॉमन है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग जो भी करेंगे अंश और हर दोनों में सेम नंबर से ही करेंगे। तो कॉमन इसमें 3 है, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 4 = 12। इसे हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसमें ये देखिए, और हम लोग जब डिवाइड करते हैं ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है, मतलब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं या फिर न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। तो इसमें ये 5 कॉमन हो गया वन बार में, और कोई तो फ्रेंड्स तो है नहीं नंबर जो कॉमन है, जैसे अगर यहाँ 4 है, यहाँ मान के चलते 8 या 2 रहता तो ये कट हो जाता, बट ये 13 है तो अब नहीं कटने वाला है। इसे हम लोग सेम टू सेम उतार लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 13 × 1 × 1/1 × 6 × 4,
अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 1 13, फिर इंटू 1 13, यहाँ हो गया 13, 1 × 6 6 एंड 6 4 20, ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा अब इसमें कॉमन है नहीं कोई संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और आगे की वीडियोस क्लास भी आते रहेंगे, उसे देखने के लिए आप बेल बटन को पुश करें ताकि आपको हर टाइम आते रहे कि क्या हमारा वीडियो आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।